अभी 25 तारीख आ रही है, क्रिसमस आ रहा है। एक आंटी ने मुझसे पूछा, आप लोग क्रिसमस करते हैं? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो आप लोग कैसे करते हैं? मैंने कहा हम लोग वर्शिप करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, उसके बाद सबको खाना खिलाते हैं। आपके पास वो ग्रीन ट्री सेंटा क्लॉस? मैंने कहा नहीं, हम उन दोनों को नहीं बुलाते। बोला क्यों नहीं बुलाते, वो ट्री क्यों नहीं लगाते? मैंने कहा सारे लफड़े उधर से ही चालू हुए, न वो खाती न इधर आते, इसलिए जकई को यीशु ने कहा उधर लफड़े की जगह पेड़ पे क्यों चढ़ा है, नीचे उतर। सारे लफड़े पेड़ से शुरू हुए। भाई अभी आप लगाते हो तो आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको लगाना है लगाओ, हम नहीं लगाएंगे। हमारी क्रिसमस में यीशु ऊपर उठाया जाएगा। इन पेड़ों को हम क्या करेंगे? वो सेंटा क्लॉस वो हमेशा बर्फ में ही आता है, ठंडियों में ही आता है, वो गर्मियों में किधर जाता है? उसको गर्मियां पसंद नहीं है क्या? अपने बच्चों को सेंटा क्लॉस के बारे में मत बताओ, अपने बच्चों को यीशु के बारे में बताओ। जीसस इज एवरीथिंग। यू नो, बहुत सारे माँ बाप बच्चों को बोलते हैं, बेटा रात को सेंटा आएगा, क्या करेगा? कार लेके आएगा, गाड़ी लेके आएगा, ये लेके आएगा। बच्चों इधर देखो, कोई सेंटा नहीं आने वाला है, बाइबल कहती है यीशु आने वाला है। आमेन। डू एवरीथिंग इन अ राइट मैनर, बाइबल कहती है हर काम खुदा के रास्तों से करो। आमेन। सुनिए, सिर्फ वचन को सुनना सब कुछ नहीं होता, यू शुड ग्रिप। ये जरूरी है कि हम सुने हुए वचन से जकड़े जाएं। बाइबल कहती है सालों पहले परमेश्वर नोहा के पास आता है और उसे कहता है सारी दुनिया को खत्म करने का सवाल आ पहुंचा है, लेकिन मैंने तुझे देखा है, तू मेरे साथ चलता है, तू धर्मी है। वचन कहता है नूह ने एक जलयान बनाना शुरू कर दिया, और जब वो जलयान बना रहा था, वो एक बोट बना रहा था, लोगों को समझा रहा था कि तुम लोग अपने पापों से पश्चाताप करो। जैसे अगर वो आज होता तो वो आज के लोगों को बोलता अश्लील वीडियो देखना बंद करो, अपने मोबाइल में से कचरा डिलीट करो, औरतों को देख देख के कल्पनाओं में पाप करना बंद करो, जिन जिन से पैसे लिए हैं उनको लौटाओ। यस, एक घर की बात दूसरे घरों में बताना बंद करो, इससे घर बर्बाद होते हैं। अगर आज वो होता तो ऐसे प्रचार करता? बाइबल बताती है अपने दिनों में वो धार्मिकता का प्रचारक था। ही वॉज द प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। राइचियसनेस को हिंदी में कहते हैं धार्मिकता, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं राइट लिविंग, सही जीना। किसी ने उसकी नहीं सुनी, एक व्यक्ति नहीं आया उसके परिवार को छोड़कर उस बोट में। पर क्या आपने देखा, जब वो लोगों को बताता था लोग उसकी नहीं सुनते थे, फिर भी वो निराश नहीं होता था, उसने अपना बोट कंटिन्यू बना के रखा। क्या लोग थे ये लोग, प्रभु के वचन से कितने झगड़े हुए थे। कोई आए नहीं आए उसकी मर्जी, मुझे खुदा ने जो कहा है मैं तो करूंगा। यू शुड ग्रिप, इसे कहते हैं झगड़ा जाना, मुझे कोई मतलब नहीं है। आज वो बुराई करता है तो हमको लगता है वो कर रहा है, मैं भी कर सकता हूं। जी नहीं, बाइबल नहीं कहती है बी लाइक क्रिस्टियंस, बाइबल कहती है बी लाइक क्राइस्ट। बाइबल नहीं कहती है मसीहों की तरह बनो, बाइबल कहती है मसीह की तरह बनो। हमारा कोई काम नहीं है लोग क्या कर रहे हैं, हमें यह देखना है हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, आज जो आप सुन रहे हैं वो सुनना ही काफी नहीं है, उसके साथ झगड़ जाना। यहां से जाते जाते दुआएं करना, प्रभु जो पास्टर प्रेमानी ने आज हमें बताया वो हमें चाहिए। क्या आप सब तैयार हैं? हालेलुया। जो लोग तैयार हैं अपना हाथ दिखाएं मुझे, क्या आप सब तैयार हैं? ओके, आइए आप सब मेरे साथ खोलिए पहला राजाओं की किताब। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 1 किंग्स। मेरे साथ खोलिए पहला राजा। चैप्टर 18।
1 किंग्स चैप्टर 18, पहला राजा 18 अध्याय। सबने खोल लिया? जरा देखिए, आपके पास वाले को नहीं मिल रहा है तो उनकी मदद करिए प्लीज। पहला राजा 18 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 1 किंग्स चैप्टर 18, पहला राजा का 18 बाब। सब तैयार हैं? कम ऑन, यस, नो, नो, यस, ओके। 18 अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 30 वचन, 30। तब एहलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे पास आओ। आपकी बाइबल में लिखा होगा मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने पाक कलाम से ये पढ़ना है। ओके, 1, 2, 3। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब अपनी बाइबल को छोड़ दो, अभी सामने देखिए। जो पीछे तक बैठे हुए हैं भाई बहन, जितने भी लोग यहां हैं, सब सामने देखिए। अब कोई भी यहां वहां ना देखे। मेरे पास कोई बड़ा संदेश नहीं है, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, सुनिए। जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया तो वो अभिषेक हुआ पहला शमूएल 16 अध्याय में। आप बाइबल मत खोलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब घर जाके आराम से पढ़ सकते हैं। बाइबल कहती है पहला शमूएल 16 अध्याय में परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, और ठीक 17वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं दाऊद गोलियत से लड़ रहा था। बाइबल बताती है यीशु मसीह का यरदन नदी पे अभिषेक हुआ, ये जिक्र है मत्ती 3 अध्याय में, और बिल्कुल 4 अध्याय में आप देखेंगे यीशु शैतान से लड़ रहा था। आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप देख सकते हैं कि चेलों का अभिषेक किया गया, और उसी 2 अध्याय में उसके बाद वो प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। क्यों परमेश्वर ने इनके सामने चुनौतियां बाद में रखी पर पहले उनका अभिषेक किया? क्योंकि परमेश्वर एक बात जानता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर मैं उसका अभिषेक नहीं करके उसको लड़ाई में भेजूंगा वो हारेगा। आज आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जो लोगों से लड़ने में बड़े माहिर हैं, उनकी जुबान कैची की तरह चलती है, लेकिन यहां कितने लोग हैं मुझे बताइए जो स्वयं को हराने की ताकत रखते हैं? किसी ने आपकी बेइज्जती की, किसी ने आपको बुरा भला कहा, और आप वहां से चुपचाप करके चले आए। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपना इनकार करे। प्रभु, अगर मैं अपना इनकार न करूं तो तू कभी मेरे पीछे नहीं आ पाएगा, तू सिर्फ कलीसिया में आ पाएगा, तू वचन सुन पाएगा। अब हमेशा याद रखिए, अगर कलीसिया आना है तो सिर्फ एक काम करो, ऑटो पकड़ो, कोई ट्रांसपोर्ट पकड़ो, कलीसिया में आ जाओ, आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको यीशु के पीछे आना है तो आपको स्वयं का इनकार करना पड़ेगा। जानते हो स्वयं क्या होता है? स्वयं में बहुत सारी बातें आती हैं। आज बहुत सारे लोग का मन भटकता है, इसीलिए वो प्रभु में नहीं बढ़ पाते हैं। किसी किसी की जुबान कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए प्रभु में नहीं बढ़ पाते। कोई आप देखिए बार बार व्यभिचार में गिरता है क्योंकि फीलिंग्स को मेंटेन करने नहीं आता है। कई लोग आप देखिए
बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर उनको इज्जत न मिले तो वो रिश्ते खत्म कर देते हैं, उनका मैं जिंदा है। आप याद रखिएगा, खुदा के पीछे चलने के लिए आपको शैतान नहीं, आपको आपका स्वयं रोकता है। कलीसिया में आना और प्रभु के पीछे चलने में जमीन और आसमान का अंतर है। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आए हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ही हैं जो यीशु के पीछे आए हैं। लाखों लोग रहते थे, उसे बहुतों को कहा था आओ मेरा पीछा करो, लेकिन क्या सब आए? उस धनवान को प्रभु ने क्या कहा? अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या वो उसके पीछे आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? स्वयं ने रोका। अरे सब दे दूंगा। आपको लगता है हमारा प्रभु इतना निर्दयी है कि वो कहेगा अपना सब कुछ उसको भिखारी कर देगा? आपको पता है यीशु ने उसको गरीब होने के लिए नहीं बुलाया, उसको और अमीर होने की चाबी दी, लेकिन वो नहीं आया। एक चीज समझ लीजिए, प्रभु के पीछे चलने में और कलीसिया आने में जमीन आसमान का अंतर है। आप हो सकता है आप कलीसिया में हर रविवार को आते हैं, बस सवाल यह है क्या आप उसके पीछे चल पाते हैं? क्यों नहीं चल पाते? क्या कारण है न चलने का? क्योंकि हम स्वयं का इनकार नहीं करते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने भाई लोग हैं यहां पर, जब आप किसी स्त्री को देखते हैं और आपको दोबारा देखने का मन करता है उसको, तो आपको पता है मुझे अपनी आंखें कैसे फेर देनी है? हम तो घर तक छोड़ के आते, आंखों ही आंखों में गई। बहुत लोग घर तक छोड़ के आते हैं, और तो कभी कभी मैं देखता हूं लड़के गाड़ी चलाते हैं ना, खाली एक लड़की बाजू में से गुजरे, अच्छा से चला रहा था, पता नहीं क्या दुष्टात्मा घुस गया उसके अंदर, इतना तेज चलाएगा फिर उसके साथ साथ चलाएगा। वो भी रुकेगी, ये भी रुकेगा। बोलो बाजू वाले को, ये छिछोरापन बंद करो। बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो, बंद करो, बंद कर दो। हाँ, एक मैसेज आएगा लड़के को, हाय, व्हाट्सएप पे किसने लिख दिया हाय? अब उससे पूछोगे कौन? अभी सामने से रिप्लाई नहीं आया ना, 10 बार पूछेगा, बताओ ना कौन, बताओ ना कौन, बताओ ना कौन, तेरी बहन है, खत्म करना बात। कई लोग जब तक किसी की बेइज्जती सुनने के बाद उसकी बेइज्जती न करें, उनको रात को नींद नहीं आती। मैं क्यों सुन के लूं? एक भाई को मैंने बोला, अब सुन के लेना, मैं क्यों सुन के लूं? वो मेरा घर चलाता है क्या? मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा जाओ मरो, जाओ जाओ जाओ। सबको हरा दिया है आपने, सबको हरा दिया है आपने, एक ही को नहीं हरा पाए हो, बाइबल कहती है दाऊद ने गोलियत को हरा दिया, पर वो बतेशबा से हार गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी चीज आपको खुदा में बढ़ने के लिए रोक रही है? थिंक अबाउट दिस, सोचो। मैं आपको समय दे रहा हूं, मुझे खाली प्रचार नहीं करना है, आपकी तालियां नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं जब आप इस जगह को छोड़ें तो कुछ निर्णय लेके छोड़ें। प्रचार बहुत हो चुका है, बहुत कर लिया है, हम सब थक गए हैं। मैं सच बहुत सारे पास आपको बता बता के थक गए। अब हम प्रचार नहीं करना चाहते, अब हम बात करना चाहते। मैं कोई संदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हार्ट टू हार्ट। कौन सी चीज आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही है? कुछ बहनें मीटिंग के बाद एक निर्णय लेके जाती हैं, आज के बाद मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी, जैसे मीटिंग पूरी होगी आपस में पंचायतें लगेंगी और बैठ जाएंगी, और बहन
कैसी हो? अच्छी हूं। घर में सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ बहन? पता नहीं, ये तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं है, सारा दिन माँ के साथ ही बैठे रहते हैं। मम्मीज बॉय, माँ का बेटा। चालू हो गई? अभी मीटिंग पे डिसीजन लिया कि मैं अभी से कुछ नहीं बोलेगी, शांत रहेगी। इधर से जाते जाते ही पंचायतें लग गई। बोलो मेरी बहनों, एक दूसरे को बोलो पंचायतें बंद करनी है हमें। हाँ, बोलो बोलो, खाली बहने बोलो बोलो, ये पाप बहने ज्यादा करती है। बोलिए, पंचायत बंद करना है, पंचायत बंद करनो छे। सही बोला, धन्यवाद। मैंने देखा है आप लोग छे छे बहुत बोलते, तो मैंने सोचा मैं भी अभी हर वर्ड में बोलेगा छे। चुप रहू छे, शांत रहू छे, प्रार्थना करे छे, बाइबल पढ़े छे, छे 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 छे। आई एम लर्निंग गुजराती, है ना। प्रभु ने चाहा मैं अगले साल आऊंगा ना, गुजराती में प्रचार करूंगा। नहीं, आमीन मत बोल मेरी बहन, आमीन क्यों बोल रही है, कितनी भाषाएं सीखूं। हालेलुया। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी आपका अपने ऊपर बस न चले, आप याद रखना आपका अभिषेक चला गया है। यू लॉस्ट योर अनॉइंटिंग। आप याद रखिए, अभिषेक वो ताकत है जो आपको खुद को हराने की शक्ति देगा। आप वही बोलेंगे जो आपको बोलना चाहिए, वो नहीं जो आप बोलना चाहते हैं। आप वही देखेंगे जो आपको देखना चाहिए, न कि वो जो आपकी आंखें देखना चाहती हैं। आप वही खाएंगे जो आपको खाना चाहिए, न कि वो जो आपका बदन मांग करता है।